पीपल्स पार्टी शुएब शेख और बोल के साथ खड़ी है। शुएब शेख के साथ कोई ज्यादती नहीं होने देंगे, उन्हें देंगे। उम्मीद है उनकी फतह होगी और जल्द ही रिहा होंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा तैमूर तालपुर की बोलने से खुसूसी बातचीत, कहा पीपल्स पार्टी असेंबली के फ्लोर पर भी शुएब शेख की गिरफ्तारी का मामला उठाएंगे। हुकूमती इतिहादी होने के नाते आज़ादी सहाफत के लिए आवाज उठाना हमारी भी जिम्मेदारी है। इंशाल्लाह ताला वी विल स्टैंड विद बोल इन दिस डिफिकल्ट टाइम। किसी भी हालत, किसी भी सूरत, कोई गलत केस, कोई ज्यादती हम इंशाल्लाह ताला शुएब के साथ नहीं होने देंगे। और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि बहुत जल्द वो रिहा भी हो जाएंगे। कोई पुराने केसेस थे जिनमें कोई रिश्वत का केस था, मैं पूरी उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह ताला इसमें शुएब साहब की फतेह होगी। शहजील मेमन साहब ने पहले भी कहा था कि हम ये बात उठाएंगे, असेंबली के फोरम पे भी उठाएंगे, उसके अलावा भी उठाएंगे। जो निजाम है वो कुफर का तो चल सकता है, मगर जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। शुएब शेख साहब का दिन के उजाले में अगवा जो है, आजादी ज़ारेराई पर दहशत गर्दी है, शदीद हमला है। 8-9 साल बाद ये एफआईआर दर्ज हुई है, जो कानून के भी मुतसादिम है कि एक शख्स के खिलाफ एक ही मुकदमे के किसी भी हिस्से के बारे में दो दफा उसका ट्रायल नहीं हो सकता। बाकी बरादरी अगर आपस में मुतहद होकर तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेगी कि इस तरह की जो यलगार है, एक रियासती जबर है, उसको जब तक कला कमा नहीं करेगी तो फिर कल को खुद भी इसमें आएंगे। ये इसलिए हो रहा है कि वो आज़ादी अदलिया के लिए वो खड़े हैं और जो काम कर रहे थे, और आज़ादी सहाफत जो होती है वो आर्टिकल 19 प्रोटेक्ट करता है, लेकिन ये इस तरह से आवाज़ नहीं दबाई जा सकती। कोर्ट ये कहती है एफआईआर अगर डिले हो जाए तो वो एफआईआर के कोई बटन नहीं रहेगा, कोई चीज जो एलिज की है वो भी नहीं रहेगी। तो गवर्नमेंट जो है वो कोई ना कोई तरीका या हरबा इस्तेमाल करेगी अब बोल को खामोश करने के लिए और शुएब को खामोश करने के लिए। जो निजाम है वो कुफर का तो चल सकता है, मगर जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।